खटपट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं कोरबा जिले के थाना चौकियों की खबरें। शहर के बुधवारी बाजार में नकली नोट को असली बताकर चलाने के प्रयास में पकड़कर पुलिस के हवाले किए गए युवक से हुई पूछताछ में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटर जब्त किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। जिलों में थानों को पब्लिक फ्रेंडली थाने के रूप में विकसित किया जाना है। इसके तहत बालको थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने अभिनव प्रयास करते हुए अधिकारियों के मार्गदर्शन व मातहतों के सहयोग से थाना बालको को पब्लिक फ्रेंडली थाना के रूप में विकसित किया है। सभी लोगों ने थाना परिसर एवं प्रांगण में धूम्रपान नहीं करने एवं अपने अपने क्षेत्र में जाकर कोटपा अधिनियम के प्रचार प्रसार करने हेतु शपथ ली। वनांचल क्षेत्र पसान में निवासरत एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कोरिया निवासी तथा कथित तांत्रिक कृष्ण कुमार ने उसके साथ झाड़ फूक के नाम पर उसका दैहिक शोषण किया है। महिला की शिकायत पर पसान पुलिस ने कृष्ण कुमार के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।